नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक दिनांक 12/2/2023 को दिन रविवार दोपहर 12 बजे स्थान इंडियन कॉफी हाउस 3 पत्ती चौराहा के पास जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री किशोरी सिंह लोधी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई एवं सचिव दुर्गा शंकर ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष कुश्ती के उत्थान के लिए संघ के द्वारा जिला केसरी कुश्ती स्पर्धा 6 एवं 7 मई 2023 को किए जाने का प्रस्ताव रखा एवं इंडियन स्टाइल कुश्ती महासंघ भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर एवं ग्रामीण इलाकों में जो तीज एवं त्योहार के पर्व पर और लगातार अनेकों वर्षों से दंगल कुश्ती स्पर्धा आयोजित करते हैं उनको सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही खेलो इंडिया में सागर मध्य प्रदेश के अभिषेक यादव के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर भी बधाइयां दी गई और कहा कि कुश्ती का भविष्य उज्जवल है और ऐसे दंगल स्पर्धाएं होती रहे तो नगर के जो अनेक अखाड़े बंद पड़े हैं वो भी फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो सकेंगे और युवाओं का कुश्ती के प्रति रुझान बढ़ेगा एवं आने वाले समय में हमारे संस्कार धाने के पुरुष एवं महिला पहलवान भी देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। उपस्थित सदस्यों के द्वारा एकम तेन समर्थन किया गया और बैठक में प्रमुख रूप से नगर के प्रथम विक्रम अवार्डी मन्नू पहलवान, राजू पहलवान, अरुण पहलवान, अनिल दुबे, डिम्पी बिंद्रा, सुरेश विश्वकर्मा, प्रवीण धनगर, राकेश यादव, नरबत काछी, मंतो पहलवान, राजेश सोंधिया, मुकेश दाहिया। कार्यक्रम का संचालन तजिंदर सिंह टीटू के द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन सुनील पटेल खलीफा के द्वारा किया गया। एमबीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। आज इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ जिला जबलपुर की बैठक श्री किशोरी खलीफा की अध्यक्षता में हुई जिसमें जिले के तमाम पदाधिकारी आज का मुख्य उद्देश्य है कि जबलपुर में जो पहलवानी आज से 25-30 साल पहले जो हुआ करती थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए उसी दौर को वापस लाने के लिए आज यहाँ निर्णय हुआ एक मतें 6 और 7 मई को जिला केसरी कुश्ती स्पर्धा आयोजित की जाएगी एवं अक्टूबर नवंबर माह में फिर से जिला भीम का भी आयोजन जिला के कुश्ती संघ के माध्यम से होगा ताकि नौजवानों में रुचि बढ़े, पहलवानों को इनाम मिले और बढ़ चढ़ के कुश्ती जगत के लोगों में उत्साह पैदा हो और जबलपुर में कुश्ती के चाहने वाले बहुत लोग हैं। हम संघ के माध्यम से उनको इसके साथ में संघ के साथ जुड़ना चाहेंगे ताकि हम अधिक से अधिक स्पर्धाएँ पैदा कर सकें और पहलवान उसमें पैदा होंगे और हमारे शहर के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन हो सकेगा, यही आज की बैठक का उद्देश्य था। जी सर, बताइए। इसका उद्देश्य ही यही है कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र चाहे जिला सबको लेकर प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं, उसी के तारतम्य में हमने जिला केसरी का आयोजन किया है तो उसकी डेट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, हमारी कारकांड ने आज डिसाइड किया है कि हम ग्रामीण और जिले के लोगों को इस मिट्टी की कुश्ती में इतना परिपक्व बना देंगे कि वो इंडिया में तो क्या वो विदेश में भी जाकर खेलेंगे, इतना हमारे लोगों ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह विचार किया है और जहाँ तक कारकारिणी हमारी आज डिसाइड किए हुए ने कि हम बराबर कराएंगे और हमारे अर्जुन यादव जी ने सबने सहमति दी हुई है कि नहीं आप कराइए, हम लोग आपके साथ। प्रदेश में क्या युवा लड़कों के अलावा क्या लड़कियों को भी इस खेल में बढ़ावा दिया जाएगा ऐसा कुछ है? क्योंकि दंगल एक फिल्म जो आया था मूवी उसमें कई लड़कियां इस खेल को मूवी देख के खेल के प्रति आकर्षित हुए थे, क्या वजह है कि लड़कियों का इस खेल के प्रति रुझान थोड़ा कम होते चले जा रहा है? रुझान कम लड़कियों का नहीं हो रहा है, देखिए अभी हम जो है हैदराबाद लेके गए थे कोच मैनेजर के रूप में हमारे अर्जुन यादव जी थे, वहाँ से पवी चंद्रवंशी ने वहाँ से गोल्ड मेडल प्राप्त करके लेके आए हम लोगों के साथ में, ये हम ही लोगों का नहीं उस पहलवान को हम लोगों का सह देने का मतलब होता है पहलवानी को आगे बढ़ाना, उसके गुण हम लोगों ने लेके यहाँ से हैदराबाद गए और उसने वहाँ पे अपनी कला दिखाई जिसका नाम जबलपुर में उसने रोशन किया, MP में रोशन किया। ऐसे बच्चे हैं, बच्चियाँ गई
सात बच्ची गई थी जबलपुर से, 12 पहलवान गए थे, तो इसमें जो कला है वो तो दिखाया उसने और लेके आई, हमारा नाम रोशन किया जबलपुर का और एमपी का, इतना बढ़िया उसने प्रदर्शन किया। सर अपना पर्चे देंगे सर जी, अपना पर्चे देंगे। किशोरी सिंह खलीफा जिला इंडियन नेशनल कुश्ती संघ जिला अध्यक्ष जी। वैसे बताइए आज की बैठक इंडियन स्टेट कुश्ती संघ की जो हमारी जिले की बॉडी उसके तत्वाधान में इस कॉफी हाउस में रखी गई। इसमें मुख्य अतिथि इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन यादव जी थे। अध्यक्षता संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं किशोरी खलीफा जी ने करी। साथ ही इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो पहलवानी आज से पहले जबलपुर की पहचान हुआ करती थी वो कैसे धीरे धीरे लुप्त हुई। पिछले 15 साल से निरंतर अर्जुन यादव और इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी का परिणाम है कि अभी हिंद केसरी जैसी कुश्ती प्रतियोगिता में जिस टीम को अर्जुन यादव जी हैदराबाद लेके गए थे उसमें बच्ची ने गोल्ड मेडल जीत कर इनका और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। उसी बात के लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बंद अखाड़े जब पहले एक लहर चलती थी पहलवानी की आज वो क्यों धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जबकि इस खेल का उल्लेख चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो उसमें देखने को मिलता है। हमारा और हमारे संघ का यही प्रयास है कि उस बुलंदी पे इस पहलवानी को हम फिर से लाएं ताकि लोगों के अंदर एक उमंग और जज्बा पैदा हो। जब लोग व्यायाम की तरफ आएंगे तो नशा क्राइम और दूसरी चीज़ों से बचेंगे, मर्यादित और सम्मान के साथ जीवन जिएंगे। उसी का परिणाम है कि आज किशोरी खलीफा जी इस दायित्व को अपने कांधे पर लेते हुए जबलपुर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं 6 और 7 मई शनिवार और इतवार को। स्थान जैसे ही निश्चित हमारा संघ करेगा उस स्थान पर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। मैं संरक्षक इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ।